I forgive me more of those who I need than it takes. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं इस वक्त आया हूँ एक्सपो 2020। आज जो पहला दिन है इसका, ओपनिंग हो चुकी है एक्सपो 2020 की। तो अभी भाई अंदर बहुत सख्त चेकिंग वगैरह चल रही, चेकिंग करके आपको अंदर आने दिया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा, आपका टिकट चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका चेकिंग होगी। जो वो चेकिंग जो एयरपोर्ट वाली होती है वही चेकिंग होगी, उसके बाद ही आप एक्सपो के अंदर मेन एंट्रेंस के अंदर आ सकते हैं। जैसे आप मेट्रो से बाहर निकलते हैं तो ये आपको जो मेन एंट्रेंस दिखेगा, ये है मेन गेट एक्सपो 2020 का। इसके अंदर से होते हुए तमाम पवेलियन में हम जाएंगे जो कि बनाए गए हैं। ये जो आपको सामने लगे बहुत सारे फ्लैग नज़र आ रहे हैं, ये फ्लैग उन कंट्री के हैं 192 जो कि एक्सपो 2020 में शिरकत कर रहे हैं। ये उन कंट्री के फ्लैग हैं 192 कंट्री के, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह मैप बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक्सपो 2020, ये पूरा इसका मैप है एक्सपो का। आप इसको मैप को फॉलो करके सब पवेलियन घूम सकते हैं। Arrogance towards people around you, arrogance towards the elderly. This arrogance is gonna lead you. भाई ये है मेन एंट्रेंस। जब आप मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, अंदर आओगे, सबसे पहले आप आओगे अलबसर प्लाजा में। और ये इसका एक्सपो का मेन डिज़ाइन है, मेन गेट है, जो आपको जब आप अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। ये एक्सपो का ये मेन गेट एक्सपो का 2020 का। इसके अंदर सबसे पहले आपने आना है, उसके बाद जाके आप दूसरे पवेलियन और दूसरी जगह है जो बनाई गई है, इसके अंदर से होते हुए आप वहाँ जा सकते हैं। वैसे तो एक्सपो 2020 में बहुत ज़्यादा पवेलियन बनाए गए हैं, 192 कंट्री ने शिरकत की है, तो उन 192 कंट्री के यहाँ पवेलियन बनाए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा अपना पाकिस्तान का पवेलियन, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। Everything into your better. Make sure that your peers, your creator, your better. Make sure whatever you said is good. Allah will grant you better. Shorty, there's a better place where we will enjoy forever and no worries, no pain in there. There is the praise. Do 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 do. ये जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, ये है यूएई का यानी दुबई का पवेलियन, और ये है रशिया का पवेलियन। जो आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है ये रशिया का पवेलियन है। ये जो सामने आपको पवेलियन नजर आ रहा है, ये है यूके का पवेलियन। 192 कंट्री का पवेलियन बना गए, जो कि एक हफ्ते के अंदर घूम सकते हैं आप, एक दिन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हम जाएंगे अपने पाकिस्तान पवेलियन के अंदर, जो कि एक्सपो 2020 के अंदर लगा है। अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान पवेलियन के अंदर। ये बनाया है पाकिस्तान पवेलियन एक्सपो 2020 के अंदर, बहुत खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह। अभी अंदर जाके चेक करते हैं। पाकिस्तान पवेलियन अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या देखने को मिलता है अपन को। आप देख सकते हैं पाकिस्तान पवेलियन अंदर से। अब
अभी मैं पवेलियन के साथ एंटर हो चुका हूँ, पाकिस्तान पवेलियन के अंदर देख सकते हैं मास्टर बेडरूम का, बहुत रश है पब्लिक का, पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर। अभी आपको दिखाते हैं पाकिस्तान पवेलियन इनसाइड अंदर से, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाया। ये है पाकिस्तान पवेलियन के अंदर, अंदर एंट्री हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर इनसाइड पाकिस्तान पवेलियन। भाई ये है पाकिस्तान पवेलियन इनसाइड, आप देख सकते हैं ये अंदर से जो बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है पाकिस्तान पवेलियन। यहाँ की जो पाकिस्तान की सकाफत है, जो चीज़ें आप देख सकते हैं सामने, ये यहाँ सैंपल लगाए गए हैं, पाकिस्तान की सकाफत दिखाई गई है यहाँ। ये है पाकिस्तान पवेलियन इनसाइड से, मज़ीद आगे जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा इस पाकिस्तान पवेलियन के अंदर। अभी हम मस्जिद अंदर आए, ये भाई हमारे और ये है अंदर से भी, और अंदर में आया हूँ अभी पाकिस्तान पवेलियन में। यानी वो इस पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान की कुछ सकावती चीज़ें दिखाई गई हैं जो आप देख सकते हैं। ये है पाकिस्तान पवेलियन, आप देख सकते हैं। अभी बाहर में ऑफ ही आ गया हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है पाकिस्तान पवेलियन की एक्सपो 2020 के अंदर। अभी हम और मस्जिद अंदर जाएंगे, अभी हम मस्जिद अंदर आए पाकिस्तान पवेलियन के अंदर। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, SIR पाकिस्तान पवेलियन है। अभी मस्जिद के अंदर जाना है और देखते हैं क्या क्या हमें और चीज़ें देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान की सकावत बड़ी नो प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ये है माशाल्लाह पाकिस्तानी सकाफत जो इस पवेलियन 2020 के अंदर, एक्सपो 2020 के अंदर दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी पहाड़ पे, पहाड़ों से जो पत्थर निकलते हैं ये वो यहाँ रखे गए। मस्जिद अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है पवेलियन के अंदर। ये है मार्केट पाकिस्तानी बाजार इन
एक्सपो पवेलियन 2020 के अंदर आप देख सकते हैं। एक्सपो 2020 के अंदर पाकिस्तान पवेलियन का ये छोटा सा बाजार बनाया गया है। ये है छोटा सा बाजार, देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको चीज़ बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी लोग कंट्री के लोग आते हैं वो आके यहाँ किसी ना किसी पवेलियन से कुछ ना कुछ चीज़ें बाय करते हैं, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। बाकी हम आगे चलते हैं मज़ीद। ये है पाकिस्तानी ढाबा, यहाँ के ख़त्म हो गया है पाकिस्तान पवेलियन। ये अभी हम बाहर निकल रहे हैं, ये अभी हम पाकिस्तान पवेलियन से बाहर निकल चुके हैं। तो ये था भाई पाकिस्तान पवेलियन, बहुत ज़बरदस्त बनाया माशाल्लाह और बहुत मज़ा आया एंजॉय करके।